जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रीना राय है, मैं एडवोकेट इन पैनल नॉर्थ ईस्ट एडवोकेट हूँ और दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जैसे कि ये पैनल तब दिया गया था जब निधो तानिया नाम का एक लड़के को, है ना, हेयर कलर के इशू में लाजपत नगर में झगड़े में उसको वो मारा गया था। वो अरुणाचल के एमपी का बेटा था। तब से फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, कुछ गाइडलाइंस पे अलग सा हमारा नॉर्थ ईस्ट हेल्पलाइन बना हुआ है और नॉर्थ ईस्ट का इम्पैनल लॉयर्स भी देते हैं। जैसे आज यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठा हैं, क्या वजह, क्या क्यों आए हैं? आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हैं, ये फिर भी हमारी नॉर्थ ईस्ट सिटीजन से नहीं है लेकिन एक फीमेल है, ठीक है, हमारे कम्युनिटी के लोग के एक क्रिश्चियन चर्च के मेम्बर है। तो मुझे फ़ोन आया कि एक लेडी को ऐसा ऐसा मारा है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, चाहे कहीं का भी सिटीजन हो, है ना, राइट टू इक्वालिटी, हम इतना यूएन असेंबली सबका वो करते हैं, राइट, फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते। पुलिस अपने आप ऐसे करते हैं। हम कल रात भी बैठे थे 2 बजे सुबह तक, फिर भी हमारा FIR ही लॉज नहीं कर रहे थे ये लोग। अभी भी हम आए, अभी भी हमने लिख के हम देना चाहते, फिर भी ऐसे तो सर मना कर रहे हैं। अगर ये मना कर दे तो मैं ये कॉपी DCP सर, कमिश्नर सर, हमारे नॉर्थ ईस्ट सेल में भी भेजूंगी और कोर्ट का कार्रवाई अगर करना पड़े वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जिसके साथ आपकी जो विक्टिम है क्या करती थी, किसके यहाँ रहती थी और क्या आरोप लगाकर इनको पुलिस वालों ने पीटा? ये इसका नाम गंगा आचार्य है, 35 ईयर्स। ये 1 फरवरी से वहाँ वसंत विहार हाउस नंबर C2/E 2/6 में काम कर रही थी। किसी के रिप्लेस में इसको काम पे लगा दिया गया था, ठीक है। फिर सैटरडे के दिन जो महाशिवरात्रि के दिन है वहीं से ये कांड शुरू हुआ। जैसे कि वो कहीं बाहर जाके आई, फिर उसने कंप्लेन किया कि एक गोल्ड रिंग मेरा गायब है। फिर संडे को बोला कि मेरा कुछ नेकलेस और इयर रिंग्स गायब है, ठीक है। फिर इसको सिर्फ इसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करके फिर इसको कल 2 बजे 23 फरवरी 2 बजे के करीब इसको कोठी से ही लेके गए पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले और 1 लेडीज। और पुलिस वाले और 6 बजे इसको करीब फिर कोठी से बुला के, कोठी में कोई मेंबर्स को बुला के, ये सब चर्च के मेंबर्स गए थे, है ना, उनका साइन भी ले लिया, ये भूल के ले लिया कि हमने कुछ भी दबाव में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, है ना, मार पिटाई कुछ भी नहीं किया है और मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा के ये सके इसलिए मैं काम छोड़ के जा रही हूँ, ऐसे लिखवा दिया उन लोगों ने। फिर वहाँ से उनको साइन करवा के भेज दिया गया। फिर मुझे फ़ोन आया था इसलिए मैं इनका हेल्प कर रही हूँ। इनको किसने मारा है अभी तक? क्या इनको पुलिस वाले ने मारा है। जो पुलिस वाले हैं, जो ये SHO सर डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, जो वो कोठी के कैमरा के फुटेज में भी होगा। गंगा आचार्य। अच्छा गंगा, क्यों आपके साथ किसने मारपीट करी, कौन थे लोग और क्या वजह है, क्या करते थे आप, क्या हुआ था? कल बीवार के दिन मुझे 3 पुलिस वाले जाके, 2 जेंट्स 1 लेडीज, मैं जहाँ पे काम करती थी वहाँ जाके उन लोगों ने बसंत बिहार पुलिस थाने में लेके आए और उन्होंने मुझे चोरी की एग्जाम में लेके आए क्योंकि मैंने जो किए ही नहीं है। तो मैं 1 फरवरी से वहाँ पे काम कर रही थी। जब से काम किया हूँ मैं ना तो वहाँ से बाहर निकली हूँ, ना कोई मुझसे मिलने गया है। तो मुझे मैम ने पहले बोला है, उस शनिवार के दिन गई थी पूजा में जाऊंगी बोल के 7 और 8 बजे के बीच में वो निकल गई। और मेरे साथ काम करने वाली एक पनीसा नाम की मेरी दोस्त है, वो 9:30 बजे छुट्टी चली गई। तो सारा काम ख़त्म करके मैं सारा काम ख़त्म करके मैं 11 बजे अपने रूम में नीचे आई। तो नीचे आने के बाद 11:30 और 12 बजे के बीच में मैडम आ गई। तो मैडम आने के बाद उनके बेटे ने मुझे फ़ोन करके बोला है, दीदी गाड़ी की चाबी ले लो। तो मैंने ठीक है बोल के मैंने वो गाड़ी की चाबी लेके अपने रूम में रख के, और संडे के दिन सुबह 8 बजे से मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया और मैंने सारा काम किया। अच्छा, आप जिनके काम कर रही थी किस जगह पर काम कर रही थी और यहाँ पर अभी ये हालत आपकी किसने करी, किन पुलिस वालों ने मारा, क्या आप उनको पहचानती हैं? मैं पहचानती हूँ, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे मार रही थी उस टाइम एक बार बोली थी दीपक सर, एक बार बोली थी विनोद सर,
वो तो बहुत मारेंगे, तब ये मुख खोलेगी, ऐसे बोल के उन लोगों ने मुझे 2 बजे लेके आए थे। 2 बजे से उन लोगों ने मुझे 4 बजे तक पूछ लिया, डांट के धमका के बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया ही नहीं। मैं एक ही शब्द, ये तो एक ही शब्द बोल रही है, या आते यही रेट लगा के बैठी है, क्योंकि मैंने नहीं किया। आपके कहने का मतलब कि आपको बुलाकर बसंत विहार थाने में दिल्ली पुलिस के लोग जो है आपके साथ मारपीट की है? हाँ जी। जेंट्स पुलिस थी कि लेडीज पुलिस थी? मुझे मारने वाले लेडीज जेंट्स, मेरे डंडे से हाथ और पैर में जेंट्स मारा है, और मेरे बाल पकड़ के लेडीज ने बहुत सारा मारा है, और मेरे ये गले इधर उधर कर करके उन्होंने मारा, और मुझे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं नीचे बैठने लगी, तो उन्होंने खड़े हो जा बोल के मुझे बहुत मारा। चोरी के शक में पुलिस ने आपकी पिटाई करी? हाँ जी, चोरी। उन्होंने कोई सबूत भी नहीं दिखाया। मैंने कई बार बोला है मैडम लोगों की, क्योंकि मैं भी एक घर में रह रही हूँ, मुझे दिखाओ, सीटी कैमरा लग रहा है, तो उन्होंने नहीं दिखाया है, हमें कुछ भी नहीं दिखाया। बहुत बार पूछ लिया, फिर भी नहीं दिखाया उन्होंने, बस मुझे शक के दौर में बहुत मारा है उन्होंने। तो आप नेपाल के रहने वाले, यहाँ पर क्या सोच के आप इंडिया आए थे कि 2 पैसे कमाएंगे उसकी वजह से? हाँ, मैं नेपाल में 2 पैसे कमाएंगे, अपने मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनको बड़ा कराने के लिए, खिलाने के लिए मैं कमाने आई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बिना वजह, बिना सबूत के उन्होंने मुझे चोरी के इल्ज़ाम लगा दिया है, जो मैंने किए ही नहीं है, मैंने देखे ही नहीं है। और मैडम बहुत सारा ड्रिंक करती है, वो हर दिन और रोज़ ड्रिंक करती है, और उनको ये भी पता नहीं होता उनने कपड़े कहाँ पे रखा है, सामान कहाँ पे रखा है। क्या नाम है मैडम का? नताशा। और उनके हस्बैंड का? प्रशांत। अच्छा, वो बसंत विहार में रहते हैं? बसंत विहार 2.6 में। ऊपर देखा।